जो कलर का भट्ट ने हमारे लिए मुसलमान औरतों के लिए जो बयान दिया था कि हमारी मुस्लिम औरतों को जो है ये एक मर्द काफ़ी नहीं है, तो उसके ऊपर जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मुस्लिम MLA खामोश है क्योंकि वो चुप है। ये बात होने के एक महीना होते आ रहा है लेकिन अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, ना कॉन्स्टिट्यूशनली लिया गया और ना ही पुलिस की तरफ से कोई भी काम किया गया है, उसे एटलीस्ट अरेस्ट भी नहीं किया गया। उल्टा जब हम लोग कंप्लेंट देने जाते हैं तो हमारे ऊपर ही एलिगेशन डालते हैं, 107 सेक्शन लगा रही हैं, तो इसमें हम लोग कहाँ से गलत हुए। तो सारे मुस्लिम MLA जो ही आज जैसे कि हमारे UT फादर साहब, उनको तो शायद मंदिर के दिए जलाने से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो शायद हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे रिजवान अरशद सर, उनको तो वो तो दूसरी दुनिया में ही खोए रहते हैं। तो जैसे हमारे जमीर अहमद साहब, उनको भाईचारा निभाने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है, भाईचारगी निभाए अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो ये हिंदुस्तान एक सबूत है भाईचारगी का, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इज्जत को काख पर रख दिया जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर हमारा एक मुस्लिम MLA भी उठकर ये कह दे कि जो भी उन लोगों ने कहा है हमारे खिलाफ वो गलत है और उनको अरेस्ट करने की ये वजह दे दे, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो जो वो काम कर रही हैं उनके ही वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए बोलने वाला कौन है? मंदिर की ओपनिंग है इसलिए मस्जिदों में चिराग जलाना चाहिए, मंदिरों में चिराग जलने चाहिए, यहाँ तक कि सारे घरों में चिराग जलना चाहिए। हमारे घरों में हमारे दामनों पर आग लगाने के बाद कैसे चिराग जल सकता है, आप ही बताइए। क्या हमारा दामन जलाकर वो लोग मंदिर में रोशनी करना चाहते हैं? तो ऐसी रोशनी की कोई वजह नहीं बनती। इसलिए हम लोगों को जो है बहुत गुस्सा भी है, हम लोग अपने मुस्लिम MLA से बहुत ज़्यादा गुजारिश भी करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी सपोर्ट में भी कोई बात करे। हम यहाँ पर एहतजाज इसलिए जारी किए हैं कि मुसलमान MLA को बात करना है, उनके अपनी चुप्पी तोड़ के हमारे हक के लिए, हमारे इंसाफ के लिए खड़ा होना है और बात करना है। कलर कर प्रभाकर भट्ट जो मुसलमान खवातीन के ऊपर जो इतनी बेनामी की है, उसके लिए एक घंटा भी उन्हें पुलिस स्टेशन में नहीं बिठा सके, ये कांग्रेस MLA एक आवाज़ भी नहीं उठा सके। इसलिए हम इंसाफ मिले तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और मुसलमान MLA को अब मुँह खोलना होगा, हमारे इंसाफ के लिए हमारे साथ खड़ा होना होगा। हमारे हक से जो भी होगा हम करेंगे। हम अब यहाँ सिर्फ एहतजाज यहाँ तक नहीं, हर एक गली में जाएंगे, हर एक इंसान से हम ये बात कहेंगे कि अब इनको कांग्रेस को वोट नहीं देना है। जब वो हमारे हक के लिए बात नहीं कर सकते, हम इनको जिता के इतनी बड़ी सीट देकर भी क्या फ़ायदा है, कुछ भी हासिल नहीं है। अच्छे नुमाइंदे को चुना है आज के अवाम, अच्छे नुमाइंदे को चुनको, उनको अच्छा है हमारे हक के लिए बात करने वाले और हमारे लिए साथ खड़े होने वाले को हम वोट देना है।